लकीर। ये कहानी है रिश्तों की, एहसास की, प्यार की और जज्बात की। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन वैसे तो एक यतीम बेसहारा सा बच्चा था, इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन जब सूरज राणा नाम के शख्स ने इसे गोद लिया, अपना नाम दिया, एक पहचान दी, तब यही अर्जुन अर्जुन से अर्जुन राणा बन गया। सूरज राणा, वैसे तो हर काले धंधे से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो दिल के बड़े ही नेक इंसान थे, इसीलिए सभी लोग और अर्जुन उन्हें प्यार से बाबा कह के पुकारते थे। अर्जुन ने अपने बाबा से धंधे की वो सारी बारीकियां सीखी, वो हर लकीर को जानी जो सूरज राणा ने अपने उसूलों से खींची थी। अर्जुन ने वो लकीर कभी नहीं पार की और ना ही किसी और को पार करने दी। जिंदगी में खुशियां हमेशा साथ नहीं रहती, वैसे ही अर्जुन के साथ हुआ। उसके बाबा उसके साथ नहीं रहे, वो चल बसे, लेकिन अपने बाद धंधे की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अर्जुन के लिए छोड़ दी और एक प्यारा सा रिश्ता, बाबा का सगा बेटा करण। करण को अर्जुन अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। शहर के कई इलाकों में इस तरह की भीड़ नजर आई। अर्जुन राणा वैसे तो गहने को अंडरवर्ल्ड के डॉन है, लेकिन लोगों का प्यार इनके लिए देख के लगता है कि उनके सगे भाई से बढ़कर है। क्यों ना हो, उन्होंने गरीबों के लिए काफी काम किया है। जैसे बेरोजगार गरीब आदमियों के लिए उन्होंने फैक्ट्री और मिल्स खोली है, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोला है, विधवा केंद्र खोला है विधवा औरतों के लिए, यहाँ तक कि गरीब लड़कियों की शादी भी उन्होंने खुद कराई। ये है सूरजनगर, अर्जुन के बाबा की बसाई हुई बस्ती। अर्जुन का बचपन इन्हीं बस्ती वालों के साथ यहीं पर बीता है। सालगिरह मुबारक हो अर्जुन बेटे, आज अगर यहां हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। खैर, जहां भी रहो खुश रहो, और भी तुम्हारे चाहने वाले। सालगिरह मुबारक हो भाई। जन्मदिन मुबारक हो भाई। कल पूरा शहर में अक्कर रात भर आपका जन्मदिन मनाया भाई। इतना लाइटिंग, इतना पटक मैंने आज तक दिवाली और ईद में भी नहीं देखा था भाई। हाँ भाई, ये सब देखकर मेरी आंख भर आई।
एक बात सच कहूं भाई, इन लोगों के प्यार का साया है आप पर। हाँ भाई, वो तो मैं भी मानता हूं, लेकिन आज मुझे उस साये की बहुत याद आ रही है, जिसके चले जाने से मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूं। मैं जानता हूं बाबा मेरे साथ नहीं है, लेकिन हर पल हर लम्हे उन्हें अपने पास महसूस करता हूं। जिंदगी के हर कदम पर, हर फैसले पर उन्होंने मुझे थामा है, मुझे कभी जिद करने का मौका ही नहीं दिया। खास तौर पर जन्मदिन के दिन मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाती थी। और आज ही के दिन आपने अपना सब कुछ करण और बिंदिया के नाम कर दिया। बाबा का ऐसा कोई वसीयत भी नहीं था, और आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। रखा है ना, बाबा का दिया हुआ नाम, एक अनाथ को और क्या चाहिए। करण बाबा का सगा बेटा है, ये सब उसी का तो है। रही बात बिंदिया की, तुम तो जानते हो अनीस, उसके पिता का इस घर पर बहुत बड़ा एहसान है। बिंदिया के पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, उन्होंने बाबा के लिए अपनी जान दे दी। बताओ क्या ये सब उससे बढ़कर है। नहीं, पता नहीं मैं उनका ये कर्ज कभी चुका पाऊंगा या नहीं। बिंदिया 3 साल की थी जब उसके पिता चल बसे। बाबा उसे घर ले आए और उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। करण और बिंदिया को संभालकर मैंने बाबा का हक अदा किया है, लेकिन एक बात का डर है। डर? कैसा डर भाई? यही कि इन दोनों की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। बिंदिया की फिक्र नहीं मुझे, फिक्र है तो करण की। करण की क्या फिक्र है भाई, माशाल्लाह अब तो वो बड़ा हो चुका है। बस इसी बात का, करण मेरी उंगली पकड़ कर चला है, अब बड़ा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे पीछे इसी रास्ते पर चल पड़े जो ना बाबा चाहते थे ना मैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to my greatest bhaiya, happy birthday to you, happy birthday bhaiya. Dear nahi. Bhaiya, you are the greatest. For me. Thanks. Bahut bolne lag gaya. Meri gift kahan hai? तारीफ सुनने का मुझे भी शौक है। अच्छी है। एक मिनट भैया। Where are you? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भैया. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. तो आप decision. Decision? ये gift अच्छी लगी या? Oh. उसकी. Okay, okay. सेना भैया.
मिस्टर राणा, इस बार बाजी बिंदिया जीत गई। रिलैक्स। अरे भैया, मैंने आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपके लिए गिफ्ट खरीदा, और ये जो है ना यूनिवर्सल गिफ्ट, कोई भी किसी के लिए भी खरीद सकता है, समझे? एक्सक्यूज मी, यूनिवर्सल गिफ्ट? चलो ठीक है भैया, कह दो कि मेरा गिफ्ट पसंद है। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत पसंद है, हिफाजत करती है। लेकिन करण, अगर किसी की जान बचाती है तो जान लेती भी है, और फूल वो तो जिंदगी में रंग और खुशबू बिखेरते हैं। असल में इन दोनों तोहफों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मेरे आपके बीच में। क्या कहा? नहीं, कुछ 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 कुछ। देखो ना भैया, बोलती बंद हो गई, बोलती बंद। गिव मी बैक, गिव मी बैक। मैं तेरे को देता हूं 5। इधर कम है। हेलो। ओके ओके, होल्ड इट, होल्ड इट। ज्ञान कुछ ना, आज तू बच गई। ज्ञान यानी लेक्चर? ओह माय गॉड, मैं लेक्चर दे रहा हूं? नहीं 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 भैया। तो वो क्या बना? आपका जो मेरा एज डिफरेंस है ना। बुड्ढा 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 भैया, तूने मुझे बुड्ढा बोला? इसने बोला? अरे मैंने नहीं बोला। हम दोनों में उम्र का कितना फर्क है? हाँ? बहुत कम भैया। तो फिर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं। ओह माय गॉड, चैलेंज चैलेंज भैया। एक मिनट, ऐसी बात क्या है जो तू कर सकता है मैं नहीं कर सकता? हाँ भैया जी, कोई बात नहीं। नहीं तू बता अभी, ऐसी बात क्या है जो तू कर सकता है मैं नहीं कर सकता? अरे मेरी माँ। सॉरी भैया, मैं चला कॉलेज। एक मिनट, नॉट सो इजी भैया। आप ऑफिस जा रहे, आप कॉलेज? हाँ। Then let's have a car race. What's up? Baby, what you doing? What's up? पर दिन में वो छुपते हैं, बैंग बैंग वैंग बैंग, हम वो सितारे सब रोज चमकते हैं, बैंग बैंग वैंग बैंग। शहजादे निकले अपनी सवारी पर, अजलानत भेजो दुनियादारी पर। खबर ये हमसे ले लो, तेज बहते हैं तुमसे हम, हमसे तूफान निकले ना। ये कदम इस जमीन पे है, निगाह उस फलक पे, हर नजर झुकती जाए अपनी एक झलक पे। फूलों की हैसियत क्या है गिरफ्त उस महक पे। What's up, baby? What you doing? What's up? Bang bang, bang bang. Watch out, what that? All that that? What that? Watch out, bang bang, bang bang. Shehzade nikle apni sawari par, ajlanat bhejo duniyadari par. Hi, Karan. Hi, Anand. Hey, what's up? Hey, man, how's life? Hey, Chandai, how are you doing, man? Hi, Karan. Vasa, vasa. रंगों से भरी महफिले हैं यहाँ, खुशबू में बसी सुल्फे यहाँ, शोखी है कहीं, सादगी है कहीं।
अबे चले ए चेबोट साले तेरे को 12 फुट जमीन में गाड़ देगा मैं भाई ये मारिया को छेड़ रहा था अभी ए ब्लैक ब्यूटी मारिया को छेड़ दे चल निकल ए क्या हुआ बेटा चल निकल चल तू कौन रे अरे मैं कोई भूत हूं चल ना निकल तू जा चल क्या हुआ अबे एक मारूंगा जमीन ए साले चुप 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 छोड़ बेटा चुप छोड़ ना चलो छोड़ छोड़ बेटा चुप संजय बेटा जान दे जा बेटा जा जा ए दड़ियल तू क्या पुटकता है हैं क्या है ये लौंडे तेरा हाथ बहुत चलता है तेरे को मालूम है मैं कौन हूं जाहिद उस्मान भाई का आदमी हूं मैं ओ ओ उस्मान भाई उस्मान भाई उस्मान भाई को जाके बोलना संजू भाई से पंगा लिया मैंने भगा बोलना जाके संजू भाई उस्मान भाई आपका बहुत नाम लेते हैं हां हां संजू भाई उस्मान भाई आपका तो बात बात में नाम निकालते हैं चल 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 निकल आ जाना जाना यार फुटेज कहा था चलना यार निकल जाओ 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 चलिए बार भीड़ मत कीजिए शुक्रिया संजू बेटा अच्छा अच्छा कैसी है तू ठीक हूं भैया पढ़ाई पे ध्यान रखना हां मारिया जरूर भैया क्या बात है संजू तेरा बहुत वट बढ़ रहा है ना देखना एक दिन अर्जुन राणा से भी ज्यादा होगी अर्जुन राणा से भी ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है क्यों भाई नहीं हो सकता क्या बोल हाँ भाई संजू एक बात बोलो साले तू ना बहुत पहुंच गई चीज है बहुत पहुंच गई अभी नहीं बनानी है पहुंच पहुंच गोली दे रहा है ना तू क्यों भाई क्यों क्यों एक मिनट संजू व्हाट राग यू गिव मैन एक तरफ बात करता है कि पहुंच बढ़ानी और दूसरी तरफ से जब से अर्जुन राणा का गाड़ी आया ना तो तू दूसरी गाड़ी को हाथ लगाता है ना हम लोग को हाथ लगाने देता है यार अभी अबे मैं अभी लगा अबे मोटे मोटे अबे हट हट क्या अरे चुम्मी कर ले ना चुम्मी नहीं करने देता यार तू कैसा कैसा आदमी है क्या कर ले ऐसा कर ले जैसे तेरा भाई हो साहिल हो तो एक बात बता मेरे को अगर तेरे को साहिल और ये गाड़ी के बीच में चूज मारना पड़े तो किसको चूज मारेगा बोल 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 ना सोच मत देख ब्रेक अबे सोच नहीं तेरे साला सवाल पे हैरान हूं मैं क्यों भाई अबे गाड़ी तो अपना सपना है साहिल तो अपन का जान है बे जान अपन की भी जान है सबकी जान है सबकी अरे मेरा बस चले तो ऐसी 10 गाड़ियां रख दूं साहिल की गुलामी पर मगर क्या करें किस्मत क्या बात कर रहा है संजू रॉन्ग बात कर रहा है तू कितना उसको हाई फंडा सुपर हाई फंडा कॉलेज में भेजता है जाएं सब हाई फायर रईसों के लौंडे जाते लेकिन मोटो एक बात है अपना साहिल उनके बीच रहता है उनके बीच पढ़ता है लेकिन है एकदम अलग एकदम सीधा मासूम भोला मेरा साहिल Morning, sir. Good morning, Sir Sahil. You have topped the university in the class this time again. Thank you, Why don't you play basketball? Thoda time tournament or matches hone wala hai. Uske liye tumhe certificate milega. Sir, basketball khelne mein maza nahi aata. Kyon? Mera game hai baseball. Wahan run score karne mein maza aata hai. Baseball mein kaise score karta hai? Sir, baseball mein dar-asal... Main batata hoon, sir. Baseball ka score, sir, basketball court mein hota hai. बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल कोर्ट में अभी बेसबॉल का स्कोर बास्केटबॉल कोर्ट में यस सर मैं समझाता हूं सर सर क्या है Don't teach ya.
हाय 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 ओके हाय कट इट तुम मुझे देख रहे थे ना या नहीं 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 हाँ या नहीं हाँ तुम बहुत अच्छा डांस करती हो रियली थैंक यू और बहुत अच्छी भी दिख रही हो रियली एंड बस मैं तो बास्केटबॉल खेलने आया था बास्केटबॉल और तुम नाउ बेसबॉल इज योर गेम सो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू प्लेइंग बेसबॉल और बास्केटबॉल वेल वो तो करंट की गेम है ही इज अ स्टड स्टड वेलकम टू कैफे डॉम अपना सेकंड होम आ गया बॉस आ गया सब राजपूत क्या है भाई ये देख ये मेरा फिट ड्रिंक है संजू भाई 36 ये संजू मत पी मत पी संजू मत पी जिसने भी पिया है उल्टी जुलाब दोनों साथ में हुआ है मेरे को क्यों पिला रहा है संजू भाई अपने हाथ से बनाया सेक्स ऑन द बीच है संजू भाई सीखे देखो बहुत मजा आता है बात मां मेरी 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 कसम आ गए पंच के स्टंट्स ग्रेट मतलब करण राणा ए करण अर्जुन राणा का छोटा भाई कौन सा वाला वो रेड जैकेट में रेड राइडिंग हुड स्टाइल है Hey K. What? Wanna play? Let's go for it. All right, guys. Are you all ready? You almost killed me, buddy. Montika phone hai, Montika phone hai. Haan, Monty. Sanju, gaadi dena hai. Abhe chup hai, koi nahi jayega, main jaunga. Gaadi dekar aata hu, okay? T-shirt, bhai, jute. Theek hai, Sanju. Peeche, peeche, peeche. Abhe, tu kya kar raha hai? Are, kya bhai, kachra laga hua hai. Kachra to tere muh pe laga. Food kachra. All the best. Okay, all the best. Sunna na ko mera hai. Haan, I bolta hu. Okay. अबे चाबी किधर है यार चाबी किधर है चाबी ला दे तनी यार तुम लोग ओके ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ओके बाय 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 ये गया तुम्हारा वजीर एक मिनट ऐसे थोड़ी होता है व्हाट इज दिस तो फिर कैसे अभी तो आपने वजीर को मारा था ना अरे तो एक चांस में एक बार मारो तो दूसरी बार छोड़ना पड़ता है दैट्स माय रूल ओके ये लो अरे घोड़ा ऐसे थोड़ी ना चलता है तो फिर कैसे चलता है वो वाली चाल चलते हैं ये कौन सी चाल कह रहे गाड़ी लाया हूं ये गाड़ी भाई की तू कार का मिस्त्री है ना जी संजू भाई मेरा घोड़ा तो ऐसे ही चलेगा अरे व्हाट इज दिस बिंदिया ये भाई का घोड़ा है जैसे चाहे चल सकता है अनीस भाई आप चुप रहे व्हाट इज दिस आई डोंट प्ले स्टूपिड गेम ओके अच्छा बाबा ये लो ये ऐसी वाली चाल तुम्हारी भाई है क्या मैं क्या तेरे को बहन दिख रहा हूँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं मेरे को पहचानता है जी नहीं जा ठीक है वेद जावेद ओ जावेद भाई जावेद भाई अच्छा गाड़ी के ड्राइवर पायलट हाँ पायलट गाड़ी बन गई डिलीवरी देनी थी इसलिए मैं चाबी ले गाड़ी बन गई डिलीवरी दे दिया मैंने ले लिया अभी तेरे को क्या चाय कॉफी टैक्सी रिक्शा चाहिए क्या भाई नहीं जरा भाई से अपने बॉडी को टच देगा ना समझा ना अरे बॉडी को टच करके अरे मैं क्यों टच करूं आपके अरे बहुत डेंजर है ये लोग हां मैं आपके करके दिखा एक बार टच कर चल अरे जावेद किसके साथ लगा हुआ है
करके दिखा। अरे चल, चल, मैं चल, चल। क्यों टच करूं आपके बॉडी को यार? जावेद, अरे जावेद, ये क्या चल रहा है? कौन है ये? नहीं भाई, कोच ने एक छोटा सा मैटर मैं संभाल लूंगा ना भाई। अरे कोच ने करेगा नाटक बेटा, इसको नाटक करे, मैं तो गाड़ी दे डालूंगा। अरे पानी का चाय ना भाई, उसको फोन दे, बात कर भाई। अरे क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा है वो? कुछ नहीं भाई, वो गाड़ी का मिस्त्री है। ला मुझे दे। हेलो हेलो भाई, ये भाई सलाम कर। सलाम भाई। सलाम भाई। भाई मैं संजू। हाँ बोलो। मैकेनिक भाई। ठीक है, जावेद को गाड़ी दे दो भाई। हाँ बोलो भाई। गाड़ी बहुत अच्छी है भाई, जरा संभालना भाई। चलो ना भैया। एक मिनट, संभाल लूंगा। और कुछ भाई? छोड़ ना भाई। भाई आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, आज पूरी हो गई। मेरे लड़के सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे भाई, सचमुच। ठीक है, जावेद को दो। जी भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। या भाई, वो गनी चाचा है। गनी चाचा है? अरे आप कहाँ जा रहे? मैं अभी आया। सलाम गनी चाचा। सलाम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हो अर्जुन बेटे? बस ठीक ठाक। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है कि हम जरा जल्दी में हैं। वो यहाँ माहिम दरगाह पर आए थे। अरे भाई लाओ ना। लीजिए। तो तुम्हारी मनपसंद चीज वहाँ नजर आई तो तुम्हारे लिए ले आए। हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना। पर अब अंदर चलिए, अंदर चलिए। नहीं बेटे नहीं। वो नाराज है? ऐसे ही समझ ले, तू भी तो बहुत दिन से बस्ती नहीं है। अच्छा चलो, मैं बहुत जल्द बस्ती आकर आप सबको परेशान करता हूँ। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। भैया क्या करते हैं, कभी कभी तो मैं खुद ही समझ नहीं पाती हूँ। तुम क्या समझेगा मगा, हम 16 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं समझा। हाँ क्या मतलब? लो खाओ। एक दिन ना भाई को फोन आया और ये खबर मिला भाई को कि सचिन ने भाई और बाबा का सुपारी लिया। ए दम दे। और ये खबर मिलते ही मैं और अनिस भाई के साथ निकल पड़े। अर्जुन और उसके बाप को तो आज पीटी बना के भेजना ही पड़ेगा रे, नहीं तो साला वो बहुत भारी पड़ेगा। उड़ जाएगा। हो जाएगा ना काम उसका। कौशल्या इधर इधर। अरे सचिन तू क्या कर रही है? तू इधर। बोला था ना तेरे को आई के इधर आ रही हूँ। अभी जा 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 जा। अरे सामान तो लेने देना। अरे तेरे को कितनी बार बोला सामान लेके क्यों घूमती है मेरी माँ, चल जा इधर से। क्या? ये लोग कौन है? अरे तेरे को क्या करने का है, धूप बहुत है, घर जा। अबे नहीं। सचिन ए, उसके पेट में बच्चा है। अर्जुन छोड़ उसको। ए, अर्जुन ये तेरा मेरा मैटर है, औरत को बीच में मत डालना। नहीं बबन, इसकी बीवी को छोड़। भाई तू पहले उसको टपका। भाई बबन, ये साला तुमको टपकाने आया था, अब तुम इसको पहले टपका। भाई अपना उसे कुछ लेना देना नहीं है, चल छोड़ उसे। नहीं भाई बोलो ना, टपका तू उसको। मैंने कहा ना छोड़ इसे। नहीं भाई पहले टपका उसको तू। मैं नहीं टपकाता, चल छोड़ इसे। नहीं भाई टपका उसको, छोड़ इसे। कौशल्या कौशल्या अरे भाई, 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 भाई,
क्या कर रहे हो? अपना हाथ तो देखो, देखो क्या हो गया। तुमको मालूम मगा क्या हुआ उसका? किसका? अरे वही जिसको भाई ने मारा। वो 3 दिन कोमा में था और बाद में मर गया। ए शेट्टी, फिर चालू हो गया तू? क्या हो रहा है वहां पर? भाई आ गया। चीटिंग वीटिंग तो नहीं चल रही ना? नहीं भाई, नहीं भाई, खेलो खेलो भाई, खेलो खेलो। अनीस, शेट्टी, क्या चल रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, कल कॉलेज है ना। आ रही थी सैक। मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ भाई। Nice game. Hey, how do you guys are going to play? Now finally we got the two teams knocking head to head. Welcome them. And here comes the Tigers. The Tigers being led by Kern, captain of the team. Well, the opposite side, all the teams in the championship. Both teams have always there. Again, congratulations. I keep my promise. I know that. Well done, boys. Well done. Thank you. Come on, let's go. You saw the jump. Great. Yay. Kabhi. Karne ka sabki. Hey. Loser. Wolves, huh? 3 years. Chutney. Hey, bahut der se dekh raha hu. Don't get on to my nerves. Agar mera dimag kharab ho gaya na, you'll have to pay for it. Just shut up and stay away from me, okay? Sahil, stop it! Sahil, bas, pagal ho gaya tu? Kya kar raha hai? Sahil, Sahil, pagal ho gaya tu? Rasti clear ho jayenge yaar. Isne Vidya ko gaali di hai. Main janta hu, lekin is waqt apne aap ko sambhal. Hum log sadak chhap pe idhar pad rahe hain. Hamari kismat hai Sanju. Sanju ke bare mein soch. Sahil, think about Sanju. Guys, sorry, guys, नहीं, सुनो यार, कुछ नहीं, आराम से, relax यार, guys, यार, गौतम, he is my college boy, सोच समझ के जवाब देना, तो खेलने आया है, या लड़ने? Let's go, guys. चल चल चल। ओके गाइस, वू, बाय। साहिल 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 साहिल, थैंक्स। किस लिए? यू टुक अप फॉर मी ना? एक्चुअली गलती मेरी थी। नहीं नहीं, तुमने ठीक ही किया था, उसे पढ़नी ही चाहिए थी। और अगर करण और उसके दोस्त नहीं आते तो मुझे पढ़ती? क्या तभी भी थैंक यू कहती? बात वो नहीं है साहिल। साहिल, साहिल, पहल तो तुमने की ना, तुमने जो किया, आई लाइक इट। एनीवेज, करण ने आज मैच जीता है, इसलिए भैया ने आज रात पार्टी रखी है। तुम आओगे ना? करण ने जीता है, भैया की पार्टी है, मैं किसके लिए आऊंगा? मेरे लिए। I'll see. I'll wait. Yes, my darling. Hey, मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी। कहो। आज रात तुम्हारी जो पार्टी है ना, उसमें मेरी पार्टी? ओके, आज रात हमारी जो पार्टी है, उसमें मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज। ओके। Really? Mm, so sweet. Love you.
पार्टी साल लेट्स पार्टी बिंदिया का पार्टी 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 इडियट पार्टी बताता साले को छोड़ता ही नहीं गंजा भी उठा है बात कर रहा है बड़ा जोक I mean जोक she's coming did you see the way he ran from there I knew it wow yeah baby बिंदिया That was too funny. करण ने उसकी बोलती बंद कर दी. लगती तो वही है करण. Oh God. एक सामने. ठीक है. बेब. क्या बात है. चल. सदियां समा गई इस एक पल में दिखने लगा सुकून दुनिया की हलचल में सदियां समा गई इस एक पल में दिखने लगा सुकून दुनिया की हलचल में है Can I have this dance? प्यार से पूछ रहे हो या रुबाब से? रुबाब से. पल में दिखने लगा सुकून दुनिया की हलचल में है काश पालूं ये पल मैं भी इस पल में मैं भी इस पल में गुमसुम है जुबान माफ करे कह न सकूं हाले दिल यहां राज वफा रहते हैं दो दिल के दरमियान कह दिया तो रहा इश्क क्या आंखों में डूबे खामोशी से हया ऐसे ही गुजरे सदियां सदियां समा गई इस एक पल में
दिखने लगा सुकून दुनिया की हलचल में, ऐ काश पालूं ये पल मैं भी इस पल में, मैं भी इस पल में, इस पल में है, मैं भी इस पल में हो, हो। What? Yes. अरे यार आइंदा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? जी सलाम। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। शारदा आंटी आप इनसे बोल दीजिए वक्त पे गोली नहीं खाएंगे तो बात करना छोड़ दूंगी। अरे बेटी नाराज मत हो। क्यों बे, हड्डियों की दुकान, हड्डियों को ठंडी लगती है क्या? ये ले शॉल ले चल। ए, इनकी ठंडी गर्मी छोड़ो, भैया का मुख कैसा है, ठंडा या गरम? अरे भैया सारी दुनिया के लिए तो गरम गरम तंदूर है, लेकिन आपके लिए तो ठंडा ठंडा कूल कूल। थैंक यू यू फूल। ये सबको बांध देना। जी भाई। अरे अनीस सुन। अच्छा भैया मैं चलती हूँ, कॉलेज जाना है ना, तो चेंज वेंज। ओके भैया हम भी कॉलेज चलते हैं, सारा काम हो गया। इसे इस्तेमाल तो करो। थैंक यू भैया। करण आ गया मालूम है। करण कहाँ थे तुम? भैया कल की पार्टी में थोड़ी ज्यादा पी ली, हैंगओवर रह गया, आई एम सॉरी। देखो ऐश करो या किसी की मदद करो, हद में करो। जी भाई, करण ने अभी आपको बताया कि कल रात उसने बहुत शराब पी और उसी की वजह से उसे आज आने में भी देर हुई, और आपने उसे कुछ कहा नहीं? क्या कहता? उसने सच ही बताया ना, आज के लड़के कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अगर मैं करण को टोकूंगा तो वो मुझसे सच छुपाएगा और झूठ बोलेगा, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कि बे डरपोक अंदर क्यों नहीं आया? अंदर आके भैया की गाली सुनता? देख रोनी, भैया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, दैट्स माय पॉलिसी। ठीक है करण, मुझे लगता है तुझे बिंदिया को भी साफ साफ खुले अल्फाजों में सच बता देना चाहिए। क्या बता देना? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाऊं तुझे? यही कि तू उससे बहुत प्यार करता है। ए चिल, उसे बताऊंगा लेकिन सही वक्त आने पर। लेकिन कब? अरे उसे जल्दी बता दे, वो पागल हो जाएगी। स्टॉप इट हनी, जस्ट स्टॉप इट। इमेजिन करण एंड विद्या टुगेदर, वाओ। साहिल। ओ शिट, आ गई। साहिल। तुझे किसने कहा था रात को इतनी शराब पीने के लिए? फंस गया ना? ओ गॉड, ये तो ऊपर आ रही है। साहिल, 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 साहिल। हे। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे। वो मैं तो डिस्कमैन सुन रहा था। डिस्कमैन सुन रहे थे? सॉरी। अच्छा एनीवेज, झूठे मुझे छुपा कर रखा था, बताया क्यों नहीं कि तुम भी? ओकेजनली, ओकेजनली, कभी कभार, आदत नहीं है मेरी। आदत नहीं है? और कभी कभार इतना अच्छा डांस कर लेते हो, वाह। डांस? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं,
एनीवे बिंदिया थैंक्स फॉर द पार्टी। सुपर थी ना, भैया ने अरेंज की थी करण के लिए, और करण का सूट वो भी अच्छा था ना, मैंने डिजाइन किया था, स्मार्ट लग रहा था ना। यू नो बिंदिया, आई हैव टू गो फॉर द लेक्चर। अरे एक मिनट सुनो तो, मैं भी क्या कहने वाली थी और क्या कह गई। करण तो है ही ऐसा, लेकिन कल तुमने सबके साथ साथ मेरे भी होश उड़ा दिए। तुम इतना अच्छा डांस करते हो, इतना अच्छा गाना गाते हो, बास्केटबॉल भी खेलते हो, और किसी को बताया तक नहीं, मुझे भी नहीं, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, चोरी चोरी देखते हो, कोई कुछ कहे तो चिढ़ते हो, लड़ने भी खड़े हो जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? Hey, what's up, dude? What's happening? वो देखा, जुबानी नहीं खुलती, किसी का इंतजार है क्या? उस वक्त का इंतजार है। बस बस, वो लम्हा का चला जाएगा और तुम सिर्फ अपने वक्त का इंतजार करते रह जाओगे। डोंट डिले। पैगाम लाया सावन दामन से, बंद जाए दामन, रिमझिम खुशियों की बरसे हम पे बरखा। चंचल हवाए बोली सजने दे तेरी डोली, डोली फिर डोले जैसे डोले चंदा। जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन को बादल बन के छू जाऊं मैं। जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं। बरखा पवन ये बूंदे सबने उड़ा दी नींदे, जागी आंखों में मेरी जागा सपना। मनवा मेरा भी डोले हाले हाले बोले, बेगानी दुनिया में है तू ही अपना। जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, बरखा पवन ये बूंदे सबने उड़ा दी नींदे, जागी आंखों में मेरी जागा सपना। सागर किनारे किसी पर्वत के साए में दिखता है एक आशियां है। जाने जब तक मैं रहूं तेरे दिल में ही, वही है मेरा आशियां। मासूम है बातें ऐसी, फूलों पे हो शबनम जैसी, मैं खिल सा गया, महक उठा जग सारा। जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन को बादल बन के छू जाऊं मैं। जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं।
साहब ने जो कागजात दिए उस पर एक नजर मार लो ना, बहुत लफड़े से निकली है ये फाइल। वो दिल्ली की जो प्रॉपर्टी थी उसका क्या हुआ? होना क्या है भाई, उसका तो सेटलमेंट हो गया। और हाँ अनीस, वो बिंदिया के पिता की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? भाई उसका भी एक दो दिन में फैसला हो जाएगा। देखो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बिंदिया के मामले में मैं कोई ढील नहीं चाहता। भाई आप रुकिए, हम लोग देखते हैं। ए शेट्टी चल। ये देखो कैसा गाड़ी चलाता है ये लोग। ए ऐसे चलाएगा तो मर जाएगा ना। मर गया क्या अनीस? वो ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है, बाकी छोकरे लोग संभाल लेंगे। ओके ओके। शेट्टी लड़कों को बोल के इसको हॉस्पिटल पहुंचा दे। हाँ हॉस्पिटल में भेज देते हैं, और इंस्पेक्टर कदम को भी फोन करते। हाँ हाँ कदम को बोल देना, वो मैटर संभाल लेगा पूरा। अनीस भाई, ये कौन है? करण बेटा कुछ भी नहीं है, तू जा कॉलेज। शेट्टी क्या नहीं रे बाबा, कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ो ना। अनीस भाई और शेट्टी मुझे कुछ बता नहीं रहे, कुछ छुपा रहे क्या? कुछ नहीं है, हमारे मिल में काम करता है, वहां पर इसने छोटी मोटी चोरी कर ली, पकड़ा गया। चोरी? हाँ चोरी। अरे बेवकूफ, तूने भैया से चोरी की, मांग ही लेता। अच्छा भाई मैं चलता हूं, तुम लोग भी ना। अनीस गाड़ी निकाल। अरे कितनी बार समझाने का तेरे को? अरे मेलिया डोको वापर हाँ सब बिक जाएगा, समझता क्यों नहीं है? अभी अभी किया ना तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, चल आजा आजा। अर्जुन, अरे अर्जुन, अरे भाऊ रे माजा, तू बोलना सेटल करते ना, तू बोलना क्या करने का, बैठते अपन बैठ के बात करते ना, मैं हूं ना, मैं करता हूं ना, तू बोलना क्या क्या सेटल करने का, बोलना, बैठते हैं ना अपुन। देख देख बात सुन, होता है ना यार धंधा है, पहले भी तूने माफ किया ना, मैटर बड़ा होता था मैं मानता हूं, अरे माफ कर देना इसको। बात अगर मेरे तक होती तो ठीक था, 12 साल पहले तूने मेरी सुपारी उठाई थी, मैंने तुझे माफ कर दिया था, आज तेरे भाई ने
मेरे भाई की सुपारी ले। अर्जुन, अर्जुन, इसे मैं माफ नहीं कर सकता। भाइयों मेरा अर्जुन। आए नीचे बैठ, नीचे बैठ, मत मार, नीचे बैठ। देख अर्जुन, देख, अर्जुन मत मार उसको। अर्जुन, अरे भाइयों मेरा, पागल हो गया क्या तू? अरे क्या कर रहा है यार ये? अर्जुन मत मार यार, मेरा भाई है वो। अर्जुन, लेके जाने दे मुझे। नीचे बैठ, नीचे बैठ। तेरे को मैं बोला ना, मेरा और तेरा बैटर था, लेके जाने देना इसको। मैं जानता हूं कि ये सब तेरा प्लान था। ऐसी नीच हरकत तो तू ही कर सकता है। काश मैंने 12 साल पहले इस खोपड़ी में गोली मार दी होती। तू जो बोल मैं वो करता हूं, लेकिन मेरे भाई को अभी बचाने दे भाई, प्लीज। तेरा भाई? और ये सेटल करते रहा भाई, मेरे भाई को मारने की सुपारी। सेटल करते भाई, मेरे भाई को भाई, जाने देना, देख मर, मर, मर जाएगा। मेरे मासूम से भाई मर जाएगा, जिसका इस चीज से कुछ लेन देन भी नहीं है। तू तूने मेरे भाई को मारने की सुपारी दी, मेरे भाई की सुपारी दी, मेरे भाई को मारेगा, मेरे भाई को मारेगा। अरे मेरे भाई की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। करण, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। किस बारे में? साहिल को पहचानता है? बिंदिया के साथ पार्टी पे आया था। हाँ वही फटीचर। मुझे तो उस पर उस पार्टी के दिन से ही शक हो रहा था। जब तू कॉलेज नहीं आ रहा था ना, तो साला बिंदिया से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था, बहुत ज्यादा ही उड़ रहा था। करण, मैं सिर्फ तेरा इंतजार कर रहा था, वरना अभी तक। छोड़ना यार, कौन नहीं जानता? जानते हो, फिर भी जीतने का बहुत शौक था ना तुझे? हाँ, ओ आई सी, उस रात पार्टी की बात कर रहे हो ना? हम सब लोगों ने पी हुई थी, उसके बाद जो हुआ उसमें हार जीत की बात कैसी? ओ अच्छा है करण, जीतना तो तुझसे ही सीखा मैंने। बोलते बहुत अच्छा हो, लिखा कैसा है वो भी जान ले क्या? ऐसा क्या है इस कार्ड में, कोई लव लेटर है? रॉनी। हे 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 साहिल, अभी दोस्ती करी और अभी बुला दी, नॉट फेयर। रॉनी मेरा का दोस्ती का एटीट्यूड है? रॉनी ठीक ही तो कह रहा है। प्रथा, ठीक है, दोस्ती के नाते दे रहा हूं। इंटरेस्टिंग। देख साहब, ये बात अगर तेरे और करण के बीच रहे तो मजा नहीं आएगा। क्यों ना आपकी ये प्रेम कहानी हम सबके साथ शेयर करें, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। Hey, this means. Come on, everybody, listen up. This is Ronnie. Come on, come on, come on, come on, guys. Come on, hey, come on, come on. You. Something. आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग जानना चाहेंगे क्या? इसे किसी से प्यार हो गया है। और जिससे ये प्यार करता है, आज उसके लिए कार्ड लाया है। रॉनी, नहीं। कार्ड में, उस कार्ड के अंदर क्या है? ये सब आपको करण पढ़ के सुनाएगा।
कम ऑन करण, हम सब इंतजार कर रहे हैं, कम ऑन। सुना ये सन्नाटा, इस सन्नाटे में भी एक गूंज है जिसे सिर्फ तू सुन सकता है। इसे ना सुना मत करना, क्योंकि अगर मैं तुझे समझाने जाऊंगा ना तो तू झेल नहीं पाएगा। अभी तो सिर्फ काट फाड़ा है, समझ जा, क्योंकि अगली बार मैं नहीं संभल पाऊंगा। साले वो करण था इसलिए छोड़ दिया। But I'm Ronnie. क्यों बे? रॉनी क्या कर रहा है? रॉनी चल हट पिज़्ज़ा ब्रेड। ए हीरो इधर देख, अगली बार तू बिंदिया के पास दिखाई पड़ा ना तो साले बातों से नहीं घूसों से बात करूंगा, समझा ना? तेरी तो आंखें किसको दिखा रहा है हा? ये दो टके की शर्ट पहन के अपने आप को हीरो समझ रहा है? कितने की होगी एक शर्ट? 50-100 डिजाइनर है फिर आंखें दिखा रहा है? तेरी तो 50 bucks. Ladies and gentlemen, Sahil wants to throw a party in 50 bucks. Woo! ये लो, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं साहिल के पास जा रहा हूँ। ब्रिज साहिल कहाँ है? संजू साहिल, साहिल साहिल बेटे, साहिल संजू बेटा देखना साहिल को, साहिल ए साहिल क्या हुआ, किसने मारा इसको? ए किसने मारा? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ यार, कोई डॉक्टर को बुलाओ। ए साहिल मैं बुलाता हूँ, तू साहिल से बात, अरे जल्दी करो साहिल। साहिल बेटा क्या हुआ? साहिल को किसने मारा? ए किसने मारा साहिल? हटो हटो हटो, डॉक्टर साहब देखिए कुछ नहीं होना चाहिए साहिल को। साहिल ब्रिज
साहिल को किसने मारा? नहीं, कुछ नहीं। क्या साहिल को किसने मारा? कुछ नहीं, कॉलेज में ऐसे ही कुछ। कॉलेज में क्या हुआ? कुछ लड़कों ने। कौन से लड़कों ने? रानी और कुछ लड़कों ने वो। संजू, come on buddy, cheer up. You know what? दुनिया कहती है कि सबको करण जैसा होना चाहिए, but I'll tell you what, you should be like me, carefree. एक मिनट, तू ये मेरी जैकेट पहन। Now that's like Ronnie. करण, I'll see you in a while, okay? तू यहीं बैठना। कोई नहीं जाएगा, कोई आग बंद नहीं करेगा। ए लड़के, आगे खोल, देख साला, बहुत मजा ले रहा था ना तुम लोग, जब साले ने अपन के साल को मारा था तो बहुत मजा आ रहा था ना। देखो इस रानी को, दोबारा अगर किसी ने अपने साल को देखा भी ना, साले की जान ले लूंगा, जान लेगा अपन। हटो, पीछे हटो। हटो। हाँ भाई, हम सब आपके साथ हैं भाई। भाई हम आपके साथ हैं। किसी को छोड़ा नहीं भाई। जान आ गया भाई। Get aside. Please get aside. Please wait. आप लोग रुकिए। Please check. Yeah, yes, sir. अरे आप लोग यहाँ बातें कर रहे हो, मेरा भाई वहाँ है।
देखिए आप हमें अपना काम करने दीजिए। अरे काम ही तो नहीं कर रहे आप लोग, ये देखो कितना खून निकल रहा है मेरे भाई का। देखिए आप मेरी बात तो सुनिए। आप देखिए दुख रहा होगा मेरे भाई को। आप प्लीज बात मेरी बात सुनिए। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना देखिए मेरा भाई ना मेरी जान है, काज निकालिए। देखिए बेहतर होगा आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए। तुम अपना काम करो, मैं अपने भाई के पास बैठूंगा। ओके कम ऑन नाउ, गेट टू वर्क, गेट मी द ट्रॉली, गॉज, स्केपल्स एंड चेक हिज ब्लड प्रेशर। हरी अप या ओके मोहिते पाटिल, अंधेरी मुलुंद खेरवाड़ी ताबड़तोब नाकाबंदी करा। दो घंटे से तुमने कुछ नहीं किया, अब मैं करता हूँ। देखो तुमको शेट्टी का ताकत दिखाता है अभी। इसका पूरा खानदान कटेगा। तुम लोग ढूंढो, लड़के फैलाओ, मुझे वो चाहिए। जाओ संजू मोंटी, तुम लोग कॉलेज जाके आए, मारा मारी करके आए ना तुम लोग। मालूम है किसके भाई को फोड़ा तुम लोगों ने? हाँ मालूम है, वो साले रॉनी को, अर्जुन राणा के भाई को। क्या बक रहा है तू? मैं बक नहीं रहा हूं यार मोंटी, गलती से तुम लोग करण को रोनी समझ के फोड़ के आए। वो अर्जुन राणा का छोटा भाई भाई है। और संजू अभी क्या करेंगे हम लोग? देख लेंगे। अर्जुन साहब बाहर कुछ इंस्पेक्टर्स आए हैं, मैं उन्हें अंदर भेज नहीं सकता हूं, तो आप या खबर देते रहो मुझे। ओके ना कदम पता चला भाई, बाहर क्राउड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप जरा बात करो ना कमिश्नर साहब से प्लीज। भाई वो लड़के भेज दिए, जाएगा कहां बच के, मिल जाएगा। अरे अरे मैं अपना छोकरा लोग बराबर ढूंढ के लाएगा उसको। भाई सारा इंतजाम हो गया, हर तरफ नाकाबंदी हो गई, वो छोकरा बच नहीं पाएगा अभी। आप बस बात कर लो। तुम चाहते हो मैं क्राउड कंट्रोल करूं? तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अरे किससे? तेरा भाई है ना, चला बैठ। बिंदिया डर मत, देख मैं करण की चोट बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ये आंसू नहीं। सब ठीक हो जाएगा बिंदिया। ले रो मत, चल पानी पी। अब वो लोग रोएंगे, देख तेरा भाई उन लोगों के साथ क्या करता है, हड्डियां तोड़ दूंगा उन सबकी। भैया मुझे आपसे डर लग रहा है। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है आपके गुस्से से, बाहर बहुत कुछ हो चुका है, लोगों पे गलत इल्जाम लगा के मारा जा रहा है, और अब नीचे हजारों लोग खड़े हैं जो आपके एक इशारे पे
जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं रखेंगे। एक दिन आप ही ने मेरे और करण के तोहफे में जमीन और आसमान का फर्क दिखाया था ना, है ना? क्या वो जमीन और आसमान मिल गए? मिल गए वो जमीन आसमान। कॉलेज में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, वो सब जानते हैं, सिवाय आपके भैया। असलियत अब नहीं जानते। मुझे डर है कहीं आप गुस्से में। देख लिया अर्जुन, अब क्या सोचता है तू? अपने जिस रंग को छुपाना चाहता था, उसी ने बिंदिया जैसे मासूम के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। तुझे आज बहुत दिनों बाद गुस्सा आया है, अपने गुस्से पर काबू रख। वैसे भी तेरे कुछ न करते हुए बहुत कुछ हो गया है, अब तेरा एक इशारा और चारों तरफ बर्बादी। रोक दे सब कुछ। अगर तू फिर भी नहीं रुकता तो शायद बिंदिया ने ठीक ही कहा है, मिल गए जमीन आसमान, बदल गया है तू अर्जुन। नहीं, नहीं मिल सकते जमीन और आसमान। बिंदिया, आज भी तेरा भाई वही है। जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, उसी तरह कसूरवार और बेकसूर भी एक नहीं हो सकते। बाबा आप ही बताइए, ये किस तरह की ताकत है जिसके होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ना शहर में आग लगा सकता हूं, ना बेगुनाहों का खून बहा सकता हूं, ना अपने भाई का खून देख सकता हूं, और ना ही बिंदिया की आंखों में आंसू देख सकता हूं। लेकिन हमारी दुनिया के असूल जो आप ही ने बनाए हैं, वहां गुनहगार को माफी नहीं है। मैं मार दूंगा उसे। बाबा संजू, हमारी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अरे समझ ही तो रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ साला बहुत पैसा वाला है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची, उसका वार भी बहुत ऊंचा है, लेकिन बुजदिल नहीं हूँ मैं। बात कायरता या बुजदिली की नहीं है, बात है समझदारी की। अर्जुन शेर है क्योंकि उसे मैंने पाला है। वो जब भी आएगा शेर की तरह दहाड़ मार के आएगा, लोमड़ी की तरह नहीं। वही तो कह रहा हूँ मैं चाचा, हम सबकी भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा? देखो बेटे, अगर तुम यहाँ नहीं होगे ना तो हम सब मिलके उसे संभाल लेंगे। हाँ बेटे, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ होगे तो जज्बात की रौ में बह के कुछ भी हो सकता है, और फिर हमारे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेटे वो लड़के का पता चल गया भाई, उसका नाम संजू है और वो सूरज नगर में रहता है भाई। मगर वो बस्ती वाले कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई। एक अरसा हो गया अर्जुन से मिले हुए, हो सकता है वो बदल गया हो।
बहुत अजीब सा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि कई साल बाद मैं आया हूं यहां पर। अपनापन महसूस नहीं हो रहा मुझे। कनी चाचा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहां पर आप लोगों को धमकाने नहीं आया, अपनों से मदद मांगने आया हूं। अर्जुन बेटा, यहां जब एक घर में चूल्हा नहीं जलता ना, तो 10 घर से रोटी आती है। कोई शख्स बीमार हो जाए तो तमाम बस्ती के लोग मिलकर उसकी तीमारदारी के लिए रात रात भर जागते हैं। और ये उसूल हमारे बनाए हुए नहीं है, ये उसूल तुम्हारे बाबा के बनाए हुए हैं, जो सूरज नगर में आज भी जिंदा है। हो सकता है उसूल जिंदा है, लेकिन आप सबके दिल मुर्दा हो चुके हैं। नहीं तो मेरे साथ ये परायापन क्यों? मानता हूं मैं यहां नहीं रहता, लेकिन हूं तो यहां का ना। कपड़े बदलने से इंसान बदल नहीं जाता। मुझे पता नहीं मेरी पैदाइश कहां की है, लेकिन जब से बाबा ने मुझे गोद लिया, यहीं घर पाया आप लोगों के बीच, इसलिए आप लोग और ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। बाबा की यहां पर यादें हैं। कनी चाचा, मुझे निराश मत कीजिए, वो लड़का मुझे बता दीजिए। गुंगे हो गया क्या आप सबके सब? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? भाई आप बोलो, पूरा बस्ती का बस्ती जला के राख कर देता है। चलाई वाह, बहुत खूब, घर बसाने वाले खुद ही घर उजाड़ने आ गए। चलिए आज ये भी देख लेते। आवाज निकली खुद पर आई तब। ये करण की बदकिस्मती है कि वो यहां पैदा नहीं हुआ, आपके आंगन और आपकी गोद में खेला नहीं, इसलिए आप लोगों को उसके दर्द का एहसास नहीं है। अभी आपने बाबा का नाम लिया जिनके नाम पर ये बस्ती है। अरे सूरज नाम को मैं कभी अंधेरे में छुपने नहीं दूंगा, वरना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगते, यहां पर मौत का सन्नाटा चीखता, ये पूरी आबादी बर्बादी में नजर आती। ये मेरी बदकिस्मती है और उस बुजदिल की खुशकिस्मती कि ऐसी हरकत करने के बाद वो जो सांसें अब ले रहा है वो मेरे बाबा के नाम की भीख है। लेकिन वो बचेगा नहीं, नहीं बचेगा वो। अफसोस है आप लोगों के साथ जो तजुर्बा हुआ, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। एक मिनट अर्जुन बेटा, हमारे दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतना ही प्यार है। और बात अपने और पराए की नहीं है बेटा, बात है सही और गलत की। और सही ये है कि भाई उसका भी जख्मी हुआ है, चोट उसे भी लगी है। अरे संजू ने भी वही किया था जो तुम आज करने आए थे। हमने तो सुना था कि हमारा अर्जुन ईमान और सच्चाई का पक्का है, वो सच के लिए अपनी जान भी दे सकता है, मगर आज काश सूरज सब जिंदा होते। कॉलेज में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, वो सब जानते हैं सिवाय आपके भैया। भाई काट देंगे हम उसे, काट देंगे उसको। ये भाई उसका भी जख्मी हुआ है, चोट उसे भी लगी है। भाई अब बोलो, पूरा बस्ती का बस्ती जला के राख कर देता है। क्या वो जमीन और आसमान मिल गए? मिल गए वो जमीन आसमान। डॉक्टर, ब्रिज, हाँ,
साहिल साहिल तू 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 की जगह तू चल चल सो जा चल 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 तू चल। ये कैसे हो? कुछ नहीं मैं ओके हूँ, तू सो जा चल चल तू। संजू कहाँ है? सर संजू संजू भी ओके, उसको कुछ नहीं हुआ वो हम सब ठीक है। चल चल तू सो जा ना यार साहिल, चल चल तू। साहिल 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 तू साहिल आ जा यार, आराम कर ले साहिल। चल यार साहिल तू 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 आ जा, चल चल चल। संजू कहाँ है? ये सब इतनी हैरानी क्यों हो रही है? ये सब तो होना ही था और हुआ। जो तूने किया संजू वो मैं भी कर सकता था संजू, लेकिन मुझे पता था कि इसका अंजाम यही होगा। लेकिन तू ये सब कहां सोचता है? दिखा दी ना अपनी औकात, दिखा दिया ना सबको कि तू एक मैकेनिक है। संजू को ऐसा मत बोल, उसने सब तेरे लिए किया है। जब बॉडी चार पांच गए थे ना तुम लोग मिलकर उसे बांधने के लिए, बहुत बहादुर हो तुम लोग। साहिल नहीं, साहिल हट हट ब्रिज। और क्या किया उसके बाद? छुप गए ना, इन बेगुनाह बस्ती वालों को पीछे छोड़ गए। किसके सहारे? संजू भागा नहीं था, उसे हमने जाने के लिए कहा था, हम सबकी भलाई के लिए। वाह चाचा, आपने इसे जाने के लिए कहा और ये चला गया। जब ये कॉलेज में करण को मारने गया था तो क्या आपसे पूछ कर गया था? हाँ, तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में। तेरे दिल को तो ठंडक मिल गई ना संजू? लेकिन इनके घरों और दिलों में जो आग लगी है उसे कौन बुझाएगा? संजू कहाँ जा रहा है? डर मत, ये साला ये गुंडा मैकेनिक भाई है ना, आज के बाद किसी को हाथ नहीं लगाएगा। Now he's fine. डॉक्टर, मैं बात तो कर सकता हूँ। हाँ तुम उससे बात तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा उसे एग्जर्ट मत करो। ए, तू मत बोल, तू मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा भाई है ना, तुझे कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने तो 24 घंटे कहा था, लेकिन तू तो कुछ ही घंटों में ठीक हो गया। तू मेरा भाई है, ये क्या, ये क्या? तू मत रो, मैं तेरे साथ हूं ना। हेलो, शेट्टी बोल रहा हूँ भाई। वो जो लड़का है ना संजू, हाँ, उसका हिम्मत तो देखो भाई, अपने घर में आके खड़ा है भाई। उसने अपने करण को मारा था भाई। भाई आप बोले तो उसको ठोक दूँ क्या इधर ही? नहीं, तुम कुछ मत करना, वहीं रुको, मैं अभी आया, अभी आया। मैं कुछ काम है, अभी आता हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। बहुत चर्बी है ना, बहुत चर्बी है भाई।
करता है कि सारी की सारी तेरे सर में घुसेड़ दूं। कुछ करने से पहले सच्चाई नहीं जानना चाहोगे? सच, मैं नहीं जानता था कि करण आपका छोटा भाई है। मुझसे तो गलती हुई, लेकिन जो आपने किया उसे मैं क्या कहूं, गलती या फिर ताकत की नुमाइश? क्या बकवास कर रहा है तू? बाहर चुन साहब, जिस बाबा के नाम की दुहाई देते थे वही सूरज लोगों के आंसुओं में डूब गया। एक की गलती और सजा इतने सारों को, जला दिया सारे घर, फूंक दी बस्ती। क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? मरना चाहता है क्या? अगर आपको लग रहा है मैं बक रहा हूं तो अपने आदमियों से पूछो। अनीस, शेट्टी, ये जो कह रहा है सच है क्या? हाँ हाँ भाई, करण का खून देख के अपना खून खोल उठा, अपने से बर्दाश्त नहीं हुआ। कल दो टके के बस्ती वालों के सामने इतना गिड़ गिड़ाया, फिर भी आपका मान नहीं रखा, बस गुस्सा है अपने को जला दिया। दो टके की हरकत तुम लोगों ने की है, क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? हाँ, क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? इसे मैं इन लोगों की बेवकूफी समझूं या इनके प्यार का जज्बा? काम इन्होंने किया है, लेकिन उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी। भाई से आप मेरे हवाले कर दीजिए, हिम्मत तो देखिए साले की, इतना कुछ होने के बाद भी आपकी गाड़ी तोड़ने आया था। हड्डियां तोड़ दूंगा साले की। मैंने जो किया आपने सूद समेत वापस कर दिया। आपके एक शौक की कीमत हमारी कई छतों की कीमत है। सोचा था हिसाब बराबर कर दूंगा। हिसाब, कीमत, सूद, बस ऐसी छोटी बातें कर सकते हो तुम? मेरे भाई के खून का एक एक कतरा, एक एक आंसू, एक एक चीख, क्या उन सब की कोई कीमत नहीं है? मैं जानता हूं कि तेरा भाई जख्मी हुआ है, उसके दर्द का एहसास है मुझे। काश काश मैं तेरी जगह होता, आता मारता तोड़ता फिरता और हाथ फैला के खड़ा हो जाता। अपने आप को मेरे हवाले करके मुझे भीख दे रहे? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे भाई को, जी चाहता कि उखाड़ दूं इसे। लेकिन बख्शा, अरे भीख तो तेरे दामन में उन बस्ती वालों की है जिनका दुख दर्द आंसू तेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखते हैं मेरे लिए। रही बात बाबा की, सूरज कभी नहीं डूबेगा, सूरज नगर फिर से चमकेगा। तुझे तो हिसाब करना आता ही कहां है, ये जिएगा। लेकिन इसे भी करण के जख्मों का एहसास होना चाहिए। संजू, साहिल, साहिल उन लोगों ने मुझे बहुत मांगा, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। साहिल, अब तो मुझे गुंडा नहीं बोलेगा ना साहिल? नहीं नहीं संजू, नहीं बोलेगा ना। एक महीना बीत गया, अर्जुन ने सूरजनगर फिर से रोशन कर दिया।
संजू ने भी अपनी रुकी हुई जिंदगी फिर शुरू कर दी, लेकिन इन सब का सीधा असर पड़ा साहिल पर। साहिल ने कॉलेज छोड़ ब्रिज के साथ कैफे में काम करना शुरू कर दिया। Hey, my order's ready. Hey, how are you doing? Abhishek? Yeah. Just a second, yeah? Yeah. Here's the order. No pepperoni, no cheese. Absolutely. Have a nice day. Thank you. Tina, take the counter. So what do you want, please? Burger. One burger. Anything else? No, that's it. Hi, Bindiya. Hi. No, that. Bridge. Ah. Huh? Yes. Hmm? One French fries. Please double up. Okay. Yeah. Sambhal le usko, yaar. Hi, Bridge. Hi, Bindiya. Hi. Just sun. Slush. Softy, naya strawberry. नहीं आया या आके चला गया या आने वाला ही नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा ना। फिर भी मैं तो आती रहूंगी ना। ठीक है, पढ़ता नहीं है, जमा पढ़े देख। अच्छा सुनना बिंदिया, मैं क्या बोल कल बस थैंक्स। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे क्या यार साहिल, रोज एक महीने से वो यहाँ आ रही है, कोई ना कोई बहाना बनाने के लिए मेरे को सामने खड़ा कर देता है। तू अभी उसका दिल मत तोड़, चल उसके पास, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। चल, तू तो दोस्त है यार, दोस्ती का फर्ज निभाएगा, लेकिन बस्ती वाले वो कौन सा फर्ज निभाएंगे? मिल गया खुद के सवाल में खुद का जवाब। अब लेकिन तो कमेंडिया, तुम उस पर नजर रखना। करण अभी अस्पताल से आया है और उस पर जो हादसा हुआ है ना, वो भूल नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी पूरी मदद करो उसे भुलाने में, ओके? देखो सब कितना अच्छा लग रहा है। भैया मैं उसे बचपन से जानती हूँ, जस्ट लीव इट टू मी। अरे बचपन से तो मैं भी उसे जानता हूँ। करण जी। जी भैया। अब देखना कि ये कहीं भाग ना पाए, ओके? ओके। तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? अगर सब हॉस्पिटल आते तो घर पे वेलकम कौन करता? यूनिवर्सल गिफ्ट। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, जस्ट यू नो घर पे लोनलीनेस और इतना टेंशन, एंड यू नो कॉलेज में सब कियोस और कम ऑन लुक एट मी फाइटिंग फिट नाउ। करण अब तुम आगे हो, घर में भी रौनक रहेगी और कॉलेज में भी, जहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक यू शुड गो देयर फर्स्ट। आई विल सी यू देयर, ओके? बाय। Hey, look at that, man! Hey, back, साले का लाइफस्टाइल चेंज हो गया ब्रो। ठंडा पड़ गया। लेकिन बिंदिया को इस पे बहुत तरस आता है। देख करण, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, करे कोई भरे कोई, मुझे अफसोस हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। साहिल क्या बातें जख्मों को भरती है,
काश बरती बातें जख्मों को और ताजा कर देती है। वक्त हालात बदलते हैं और हालात इंसान। मैं बदल चुका हूं। अच्छाई के लिए वक्त तो मेरे लिए थम गया था और हालात में जो मुझे मिला, did I deserve it? किसी से गलती भी हो सकती है। गलती? छोड़, मैं तेरे लिए कुछ लाता हूं। गलती मुझसे भी हो सकती थी, लेकिन फिर लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती। वो मैं था जिसने सब कुछ झेल लिया, लेकिन ताज्जुब की बात है अभी भी लोग तुझ पे तरस खाते हैं। बिंदिया भी लेकिन ताज्जुब की बात है अभी भी लोग तुझ पे तरस खाते हैं। बिंदिया भी लेकिन ताज्जुब की बात है अभी भी लोग तुझ पे तरस खाते हैं। बिंदिया भी अरे भाई तू रोज ही जला के बैठती है, उधर भी नहीं चुकाती यार, तू चुपचाप बैठ ना। हाय ब्रिज। हाय 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 हाय। वो बिंदिया वो आज भी नहीं आया तो अभी लेना कुछ, तू लेना। मैं क्या है क्यों आती हो यहां पर, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे मिलना चाहती थी हमदर्दी जताने के लिए, फीलिंग सॉरी फॉर मी। किस लिए इतने कॉल्स, इतने कार्ड्स, इतनी बेचैनी मुझसे मिलने के लिए? अरे मैं तो कुछ और समझ के तुमसे दूर भागता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और मुसीबत फिर से खड़ी हो जाए। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बात कुछ और नहीं, सिर्फ तरस की थी। डोंट अंडरस्टैंड यू रिच पीपल। आई डोंट मीन टू बी रूड बिंदिया। Just go. वाह साहिल, कितनी आसानी से कह दिया कि बिंदिया प्लीज गो। काश तुमने मेरा एक कार्ड पढ़ लिया होता तो तुम आज कुछ और ना समझते, या एक बार फोन पर बात कर ली होती तो आज कोई गलत फहमी ना होती, ना तुम ऐसा सोचते और ना आज मेरा दिल टूटता। देखो बिंदिया, इसकी शुरुआत तुमने की। 3 years, 3 साल से तुम मेरे पीछे पड़े रहे पर कुछ ना कहा, और आज 3 महीने से मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ पर तुमने मुझे कहने का कोई मौका ही नहीं दिया। झूठ बुलवाते रहे तुम मुझसे, झूठ। मैं जानती थी पर कुछ ना कर सकी, फिर भी रोज आती रही। जानते हो क्यों? जानते हो? Because I love you, साहिल। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। बिंदिया मेरे से बात कर। बिंदिया तू मेरे को नहीं बोलेगी? बिंदिया ये क्या? बिंदिया ये क्या? Enough, ब्रिज।
बिंदिया I love you. साहिल आ गया तू? हाँ आ गया। जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे चाय बोलता हूँ। हे आशीष फटाफट चाय ले आ। मलाई मार के। ये मोंटू 12 नंबर का पाना दे। अरे 12 नंबर यार। संजू। हाँ बेटा क्या है? अरे तू बाहर ही खड़ा रहेगा कि अंदर भी आएगा? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल क्या है? अरे 12 नंबर बोला था यार, पीता क्या दिन में तू? बात कर रहा है संजू। देख संजू, मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूं। क्योंकि मैंने एक फैसला किया है। हैं? फैसला, मुसीबत, ये क्या बोल रहा है तू बेटा? साहिल तू क्या बोल रहा है? हैं? सीधे सीधे बोलना, क्या बोलना चाहता है तू? बात सीधी नहीं है। तू क्या आमिर गालिब की तरह शायरी झाड़ रहा है? अरे मिर्जा गालिब मिर्जा। अरे यार मिर्जा वही यार। अभी देख वैसे ही अब धक्का स्टार्ट है, तू सेल्फ पे सेल्फ मारता जाएगा तो अपना डायनो मोड़ जाएगा, समझा यार इसको? मुझे प्यार हो गया इसलिए मैं। एक मिनट रिपीट मार, रिपीट मार, क्या बोला? मुझे प्यार हो गया। अबे अपना डायनो मोड़ आउट हो गया भाई। ए मोंटू आशीष अपने छोटे का प्यार हो गया यार, प्यार हो गया यार, क्या बात है? प्यार हो गया, क्या बात है छोटे, प्यार हो गया छोटे का, प्यार हो गया छोटे को। पूछेगा नहीं लड़की कौन है? हाँ पूछूंगा भाई, तेरे को तो पूछूंगा, इसको तो पूछना पड़ेगा, वरना तेरा वो सस्पेंस फिल्म है ना वापस चालू हो जाएगा। लड़की कौन है भाई? ठहर मिलाता हूँ। ये कहाँ जा रहा तू? शर्मा गया, मैं भी देख के आता हूँ। कहाँ रुक जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मैं नहीं आ सकती। कम ऑन। कौन है यार? इसे मुसीबत कह रहा था तू? हैं? क्या? एक वक्त पे थी। इसका तो टेप बंद ही नहीं होता है यार। हैं? क्या थी? बिंदिया। हाँ बिंदिया तो? अर्जुन राणा। देख संजू, इसीलिए मैं तुझे इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैं अपनी मुसीबत खुद निपट लूंगा। ए! क्या बोला तू? क्या बोला? मुझे मुसीबत में नहीं डालेगा? बहुत बड़ा हो गया ना तू, बहुत बड़ा हो गया, मुसीबत में नहीं डालेगा? क्या मजाक कर रहा था? सब संभाल लेगा तू? संजू कंट्रोल। भाई मैं तेरा समझा ना, एक लाख क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है भाई? शट अप, छोड़। ए इधर आ, ए इधर आ, अबे इधर आना। क्या समझता तू? अब उन हमेशा तेरा साथ देगा, समझा ना? छोटा भाई है तू मेरा। मैंने फैसला कर लिया संजू, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब उनको भी शौक है पत्थर से सर टकराकर खून देखने का। Ya, ya, piaro me apne chote chote.
मुझे तो मिली है ये सारी खुशियाँ, तेरी दुआओं से ही मेरे अरमानों की भी अब तो सजेगी दुनिया। है फर्ज ये हमारा और हाँ सदा रहेगा, उठी जो तुझ पे तलवार सर अपना ही कटेगा। छड़ अब सारे बवाल, अच्छा सा मुहूर्त निकाल, बना के तुझको दुल्हा, चलेंगे तेरे छोटा गाने लग गया रे। नच ले माना, नच ले ओ चल ताल ताल, नच ले सोनिए मोतिए ओ चल हाथ थाम चक ले। बिंदिया बिंदिया, आज कॉलेज क्यों नहीं आई तुम? हाँ, आर यू देयर? यहां भी नहीं है। Thank you.
नाराज हो भैया, लेकिन ये क्या भैया, आपने पूरी रात ऐसे ही गुजार दी। मेरी रात तो अभी तक गुजरी कहाँ है, तुझे परेशान देखकर मैं सो पाता क्या? I'm really sorry भैया, it's just that I was in a bad mood. लेकिन तब भी मुझे देख कर, तूने पहली बार मेरे साथ इस तरह की हरकत की है, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं। दुख इस बात का है कि तू पहली बार अपने भाई से कुछ छुपा रहा है। और फिर ऐसी क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? कुछ भी नहीं भैया। तेरे कुछ नहीं नहीं तो इतने कुछ सवाल पैदा कर दिए हैं। कहीं तुझे इस बात का दुख तो नहीं कि तेरे भाई ने उस हादसे के बाद कुछ भी नहीं किया? नहीं भैया नहीं, आप ऐसा सोचना भी मत। मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया था, अगर आप ठान लेते तो वो हॉस्पिटल पहुँचने के काबिल भी नहीं रहते। भूल जाओ ना, अब जाके आराम कीजिए, जाइए। देख, मैं सारी रात इसलिए नहीं जागा था कि तू सुबह आकर मुझसे कहे कि मैं जाकर सो जाऊं। बता बात क्या है? भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो? करण, भैया कुछ खोने का डर लगा रहता है। सब है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी एक ही कमी महसूस होती है। तनाई, अकेलापन, हमेशा फिक्र लगी रहती है जो अपना है वो पराया ना हो जाए। देखो ना भैया, जहाँ नाराज गुस्सा होना चाहिए वहां मैं प्यार से पेश आता हूं, और जहां खुश वहां चिड़चिड़ा, यही उलझन है। बस इतनी सी बात? अरे अपनी उलझनों के साथ तूने मुझे भी उलझन में डाल दिया, और मैं बेवकूफ इतना भी नहीं सोच सका कि तुझे प्यार हो गया है। शायद, लेकिन प्यार करने से उलझने होती है? अरे प्यार करने से नहीं, प्यार का इजहार ना करने से उलझने होती हैं। कि अपनों को समझाना जरूरी होता है कि वो अपने हैं? बिल्कुल नहीं, दोस्त दोस्ती निभाता है तो यार कहलाता है, औलाद अपना फर्ज निभाता है तो बेटा कहलाता है, लेकिन ये प्यार है प्यारे, जब तक प्यार का इजहार ना हो और इजहार से इकरार ना हो तब तक उलझन में ही उलझते रहोगे। देख अपन एक काम करते हैं, हॉस्पिटल से आने की खुशी में अपन एक पार्टी रखते हैं जिसमें तुम अपने सारे दोस्तों को बुलाना और अपनी उस उलझन को भी, और मौका देखते ही उस उलझन से अपनी बात कर लेना। ठीक है भैया। तो पार्टी कहाँ रखें, घर पे या होटल में? आप ही मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे बुलाएगा ना? जरूर भैया। और उलझन से मिलाएगा? सही वक्त आने पर। थैंक यू भैया। बेवकूफ, तुझे कौन नहीं प्यार करेगा। जलता है ओ ओ कैसे, उफ मिटता है लुटता है मिटता है ओ ओ हम पे, फिर भी मुश्किल मुश्किल ये दिल पाना, सुन ले हे सहराओं से भी गुजरो, दरियाओं से भी उबरो, दिया न जलेगा, दीवाने वादियों में दिल न मिलेगा,
सांसों से खुशबू उठने लगी, बाहों में जब तू सजने लगी, तो देखे जहां फिर जमीन आसमां क्या। शर्म से आंखें झुकने लगी, मुझसे कुछ ये कहने लगी कि ये क्या हो गया, कैसे बदला गिराता। आखिर दिल मजबूर हुआ, मेरे इश्क में चूर हुआ, मुझ पे असर था तेरा, तुझ पे है साया अब मेरा। दूर अगर मैं जाऊं तो फिर बन जाए तो सूरज वो जो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, ओफो। नहीं बिंदिया, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम। बिंदिया, तुम समझ रही हो ना? ओके, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, दोनों नहीं जाएंगे। बिंदिया, भैया को बुरा लगेगा उनके खातिर। ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। अब क्या? तुम पार्टी में आना नहीं चाहते हो ना, लेकिन मैं तो पार्टी से निकल सकती हूँ। ओके, तो शॉप 9 o'clock कैफे के बाहर। ओके, कि नहीं, आई मीन कोई आया भी नहीं है, आई मीन वाओ, स्लो डाउन, इतने सारे सवाल एक साथ। करण, मुझे पता है तुम यहीं पर हो, वेयर यू? जरा घूम तो जाओ। करण, ये क्या है? आई मीन इट्स सो अनलाइक यू यार, इतना अंधेरा अंधेरा। जरा ऊपर तो आओ, जैसे मेरे कदम रखने से रौनक आ जाएगी। आओ तो सही। ओके, करण, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं पार्टी में हूँ। तू पार्टी पे है? पर पीछे तो शोर शराब सुनाई नहीं दे रहा। भैया मैं बाहर हूँ। उलझन उलझन? भैया वो अंदर है। अरे तू बाहर क्या कर रहा है? अंदर जा, और उसे तूने कुछ बताया? अब तक नहीं भैया। बेवकूफ, अंदर जा, उसे बता और मुझे फोन कर। ठीक है भैया। मैं बैंड बाजा लेकर आया वहां पर, फटाफट जा अंदर और मुझे फोन कर। Love you, भैया। I love you too. बेवकूफ। करण, पार्टी यही है ना? पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मेरी तनाई, हमारी दोस्ती के कुछ 17 साल, बचपन के कुछ लम्हे जो सवाल बन के खड़े हो गए, मेरे कुछ एहसास
जो अल्फाज ढूंढ रहे हैं वो तमाम चीजें जो तुम्हें बचपन से पसंद है और जहां तक मुझे याद है ये तुम्हारी पहली पसंद जिसे तुमने बहुत प्यार किया, तुम्हारी आज की पसंद भी यही है और इसे यकीन है कि तुम उसे भी बहुत प्यार करोगी। रॉनी, पार्टी करण की थी और करण और बिंदिया ही नहीं थे। well, वो दोनों अपनी पार्टी में सोलो फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। What do you mean? Huh? Oh ho! Look who we have here. तू यहाँ पे? Stop it, Ronnie. Bloody waiter. Sorry, Sahil. Let's move. Shh. देखो, baby. Take your seat, I'll come. Okay? Okay. Let's move. तो मैं क्या कह रहा था? देख रॉनी, तूने बहुत पी लिया। I'm drunk. I'm drunk. Woo! अगर तुझे लगता है कि मैंने ज्यादा पी लिया है ना, I'm drunk. तो हो जाए दो दो हाथ। Let's fight. Let's go. Let's fight. Woohoo! साल 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 तू 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 क्या कर रहा है यार? वो तुझे उकसा रहा है। He is drunk. नहीं ब्रिज, कुछ पूछना चाहता हूँ। Let's fight. बिंदिया कहाँ है? क्यों? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा? Hey Ronnie! मारेगा मुझे? मारेगा मुझे? Ronnie मेरी बात। Pizza bread. चल हट। Ronnie ये गाड़ी साइड। Oh God! Ronnie साइड। सॉरी, तू यहाँ पे मुझे जोश दिखा रहा है? वहाँ पर बिंदिया करण के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। सिर्फ रात गुजर जाने दे बे, कल सुबह बिंदिया मिल जाएगी तुझे सेकंड हैंड, समझा? तुझे एहसास हो रहा है ना कि ये हथियार है, वरना तू इसे खिलौना समझ रहा था ना? चला दो गोली। नहीं, नहीं। अगर तेरे पास बंदूक होती तो चला देता ना। यही फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। बहुत मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया ना, बहुत मेरे पीछे पड़े थे ना। अगर चाहता तो मैं अभी हिसाब पूरा कर देता। अगर तुझमें जरा भी शर्म बाकी है तो मेरे खातिर नहीं, विद्या की खातिर बता दे, कहां ले गया करण उसे? विद्या, can I have this dance? यार से कह रहा हूं, yeah.
हेलो, इतना टाइम लगा था फोन उठाने में? हाँ, उलझन को बताए कि नहीं? नहीं तो क्या मैं हूं वहां पर उसको बताने? भैया, मैंने अपने दिल की बात कह दी। बता दिया? बता दिया उसने, बता दिया। क्या हुआ भाई? अरे बता दिया। ओ, अच्छा, लेकिन उलझन का नाम क्या है भैया? हाँ, बिंदिया। बिंदिया? बिंदिया, 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 अरे चल बिंदिया को फोन दे, मैंने मैंने उसे सुना है। वो भी मुझसे प्यार करती है भैया, बहुत प्यार करती है। अनीस भाई, ऐसा घर रंग दूंगा पूरी दुनिया देखेगी। चटेई, पूरा लाइटिंग नो प्रॉब्लम। पायलट भाई, आग लगा दूंगा। नहीं नहीं, गुलशन बना दूंगा। रातों रात बिंदिया, 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 डर रही हो? छुप रही थी मुझसे, तुम्हारे कारण से। कारण? मैं ऐसे? करण, यू नो इट। व्हाट? एक कार्ड, एक कार्ड ही तो फड़ा था, दैट्स इट। और तुम इतनी नाराज हो गई? कार्ड इतना महंगा था, इतना कीमती था। कम कम, देखो ये सब, देखो क्या इनका कोई मोल नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे हमदर्दी करती हो, तो फिर ठीक है, I'll buy my card shop, damn it! बात लेकिन वो नहीं है करण, बात पसंद की है। पसंद? क्या है तुम्हारी पसंद? वो साहिल, वो क्या जानता है तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में सब कुछ मैं जानता हूं, और तुम मेरे बारे में? वो हमारे बीच में कैसे आ गया? करण, you're hurting me, यार। I'm hurting you. और तुम्हारा प्यार पाने के लिए जो जख्म मुझे पहुंचे उनका? हाँ, ठीक है इसी कारण तुम हमारी दोस्ती को कुछ और ही समझ रहे हो। संजू, संजू, साहिल। ए, चिल्ला क्या रहा? साहिल कहाँ? ये क्या टाइम आने का? साहिल, साहिल, साहिल क्या? संजू, ये हराम ज़्यादा यहाँ क्या कर रहा? संजू, संजू, इसको मैंने बुलाया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने, मैंने। तूने क्यों बुलाया बे? और ये खून कैसा लगा इसके मुंह पे? संजू, साहिल की और इसकी, इसकी हाथापाई हो गई। और क्या? और क्या? संजू, हमें बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, तू मेरे साथ चल। अबे चुप, हाथ मत लगा। साहिल कहाँ है? वो संजू, साहिल के सर पर इस वक्त खून सवार है, उसके पास मेरी बंदूक है, और इस वक्त वो करण के पास गया है। कुछ भी हो सकता है। कहाँ वो लोग? चलो चलो जल्दी। नमस्कार, नमस्कार। रोने, इतना लेट इनके साथ क्या कर रहा है? चल गाड़ी में बैठ। जब तक मेरा भाई नहीं मिलता ये कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, उस दिन की मार भूल गया लगता है? नहीं, उस दिन मार खाया था अपने भाई के खातिर, आज अगर मारूंगा तो अपने भाई के खातिर। मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? पुलिस वाले को मारेगा, पुलिस वाले को मारेगा।
मुझे रोकेगा? संजू, संजू क्या कर रहा है तू? संजू अब हट। संजू तू क्या कर रहा है? अब हटना। साहिल के पास जाना है। साहिल को कुछ नहीं होगा, साहिल संभाल लेगा अपने आप को। अगर मुझे संभालना है तो अर्जुन राणा को बहुत सारी बातें समझानी है उसे। संजू क्या कर रहा है? अर्जुन भैया तुझे क्या करेगा? अर्जुन राणा जान से मारेगा मुझे। इस बार करण की असलियत बता के रहूंगा। संजू रिलैक्स। संजू खत्म तेरी तो। अनीस भाई रिलैक्स। अरे अरे अर्जुन भैया से बात करने आए। अनीस भाई, अनीस भाई बात सुनिए। बाहर निकल। आज मैं कुछ करना नहीं चाहता। जा रहा हूं अर्जुन साहब, जा रहा हूं। बस इतना बताना था, पिछली बार जो मैंने किया उसकी सजा गरीब बस्ती वालों को मिली। दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि अब की अगर मेरे साहिल को कुछ हुआ ना तो आपका करण बचेगा नहीं। भैया ये बेचारा तो अपने भाई की जान की भीख मांगने आया था और जज्बात में न जाने क्या क्या कह गया। भैया असलियत क्या है मैं आपको बताता हूं। एक मिनट भैया, मैंने और करण ने आपसे कुछ छुपाया था। आपने करण से पार्टी रखने को कहा था तो करण ने उस पार्टी के लिए सबको किसी और जगह बुलाया था और बिंदिया को किसी और जगह अकेले में, जहां पर वो उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था। भैया बिंदिया साहिल से प्यार करती है, करण से नहीं। और यही सच है भैया। हाँ बिंदिया। देखो बिंदिया, सॉलिटेयर। करण तुम्हें पसंद है ना? पसंद है ना? ये कैसी जिद है कि आज तक मैंने भैया से झूठ खाया है? नहीं ना, आज जिंदगी में पहली बार मैंने भैया से झूठ खाया है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। लेकिन मैं भैया के सामने झूठा नहीं बनना चाहता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? देखो बिंदिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम उस साहिल को भूल जाओगी। भूल जाओगी तुम इसे। But just give me some time. तुम्हें वक्त ही चाहिए ना? तो ठीक है, मैं जानता हूं कि थोड़ी गलती मुझसे भी हुई है। चलिए, भैया इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, बैठते थोड़ी देर, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है।
अनीस गाड़ी निकाल। बिंदिया डरो मत, मैं बहुत जल्द वहां पहुंच रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबा पहुंचते ही करण को सब समझा दूंगा। मैं जान चुका हूं कि तुम करण से प्यार नहीं करती, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया को सब पता चल चुका है, वो यहां आते ही होंगे। सर वो कमिश्नर साहब का ऑर्डर था, इसलिए यहाँ पर कोई टेररिस्ट है? मेरा भाई है वहां पर। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। मैं भी सबके लिए तैयार हूं। क्या कर रहे हो सर? बंदूक है नीचे कर आप। भाई साहिल नहीं दिखाई दे रहा, साहिल नहीं दिखाई दे रहा। भाई भाई साहिल नहीं दिखाई दे रहा। मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं, तुम रुको। भाई भाई इसने मेरे साहिल को मार दिया है। मैंने कहा ना तुमसे, रुको। संजू नहीं, मेरा साहिल कहां कर रहा है? संजू नहीं, तू मुझ पर गोली चलाएगा? बस आज नहीं, चला।
भाई आगे बताना। भैया भागी बताना भैया। बहुत अरमान थे ना मेरे शादी के लिए, ये बाराती लेके आए हो आप, सबको ये बता दिया ना कि मैं सगा नहीं हूं। आज मैं किसी की बात नहीं मानने वाला, आज वही होगा जो मैं चाहूंगा। और बिंदिया तुम, हाँ तुम भी मुझे नहीं समझ पाए, क्या गलती थी मेरी, सिर्फ यही ना कि दिल की बात करने में मैंने देर कर दी। और जब मैंने अभी दिल की बात उठाई तो आप सब एक साथ हो गए मेरे खिलाफ। तुम लोग सब झूठे हो और सबसे बड़े झूठे आप। आज ना ही कोई मुझे मार पाएगा और ना ही कोई अपना हक जता पाएगा। साहिल, तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? पता है करण, तू सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। सर आगे मत बढ़। मैंने कहा कि तू वहीं रुक जा। साहिल मैं तुझे मार डालूंगा, साहिल मार डालूंगा मैं तुझे। साहिल ये क्या कर रहा है तू? साहिल नहीं, साहिल अगर तू प्यार में किसी की जान ले सकता है मैं भी जान दे सकता हूं। जिद क्यों की मेरे भाई? हाँ लेकिन आपने पहली बार मारा और मार ही डाला। तुझे कुछ नहीं होगा, चल उठ। अनीश गाड़ी निकालो। अरे देख क्या रहे हो, गाड़ी निकालो, चलो। भाई क्या करें,
जो कुछ नहीं हो सकता। भैया यू आर द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नहीं हूं भगवान, आज तू अपनी ग्रेटनेस दिखा दे, मेरे भाई से कुछ कहलवा दे, इसे कहे कि मुझसे बात करे। तू इसलिए चुप है क्योंकि तू सोचता है मैं गलत हूं, है ना? संजू तू बता, मेरे भाई की वजह से तेरा भाई अपनी जान लेना चाहता था, इसलिए तूने कॉलेज में घुसकर उसे मारा। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई गलत है। तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता जो आज मैंने किया है, तो क्या मैं गलत हूं? साहिल, भरे कॉलेज में उसने तेरे प्यार का मजाक उड़ाया लेकिन तुम चुपचाप बर्दाश्त करता रहा क्योंकि तेरे पास सच्चा प्यार था और उसके पास ताकत। साहिल ताकत गलत नहीं थी लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल किया और आज भी वो वही कर रहा था, इसलिए मजबूरन मैंने। तो क्या मैं गलत हूं? बिंदिया, वो जानता था कि तुम साहिल से बहुत प्यार करती हो, वो तुम दोनों के बीच में दीवार बनना चाहता था, अपना प्यार तुझ पर थोपना चाहता था और धोखे से तुझे यहां बुलाया। कुछ भी कर सकता था, मुझसे छूट कहा कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, संजू को गोली चला दी, तुम दोनों को गोली चलाने वाला था इसलिए मजबूरन मैंने उस पर। तो क्या मैं गलत हूं? तुम लोग चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या मैं गलत हूं? बाबा तुम ये बताओ कि क्या मैं गलत हूं? मैंने तो हमेशा यही चाहा कि मैं उसकी मौत भी अपने नाम कर लूं और आज मैंने अपने हाथों से, लेकिन ये आपके उसूल थे बाबा, सच्चाई और हक का फैसला आपके उसूल तो रह गए लेकिन मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा। मैं नहीं जानता था कि हमारा प्यार इतना महंगा होगा कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें माफ कर दो। I'm sorry.